मॉड्यूल थर्टी वन क्लिनिकल असेसमेंट इन फॉर्मल असेसमेंट सो वेन वी टॉक अबाउट द क्लिनिकल असेसमेंट वी टॉक अबाउट टू टाइप ऑफ असेसमेंट वन इज द फॉर्मल असेसमेंट द अदर वन इज द इनफॉर्मल असेसमेंट सो वट वी मीन बाय द इनफॉर्मल असेसमेंट बेसिकली इट इज द प्रोसीजर विच इज अनस्टैंडरडाइज प्रोसीजर यानि इसके अंदर हम जो भी असेसमेंट करते हैं उसका कोई स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर नहीं होता दो देयर इज अ सीक्वेंस इसके अंदर डिफरेंट किस्म की चेकलिस्ट यूज़ कर सकते हैं हम बेसलाइन चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं इसमें हम इंटरव्यूज़ यूज़ कर सकते हैं इसमें हम ऑब्जर्वेशन यूज़ कर सकते हैं और ये सब चीज़ें हम यूज़ क्यों करते हैं इन ऑर्डर टू डिटर्मिन द नेचर ऑफ़ द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक क्लाइंट आया और वो आपके पास डिफरेंट सिम्टम्स अब आपको एक्सप्लेन कर रहा है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक मदर आपको ये बता रही है कि जो उसका बच्चा है वो आराम से बैठता नहीं है ही और शी इज़ डूइंग फिजिटिंग एंड ही इज़ मूविंग अराउंड इन द रूम और जो उसकी टीचर्स हैं वो कम्प्लेंट करते हैं कि शी और ही हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ ऑन सीट बिहेवियर और जो अटेंशन और कंसनट्रेशन है उसकी क्लास में दैट हेज़ पुअर तो वैन द पर्सन इज़ टेलिंग यू ऑल दिज कम्पलेंस तो आपने उसके बारे में अब इंफॉर्मेशन लेनी है अब हाउ यू विल गो टू डू दैट इंफॉर्मेशन वो आप करोगे इंटरव्यू टेक्निक के थ्रू अब इंटरव्यू के अंदर आप जितनी भी क्वेश्चनिंग है उसकी मदर से आप कर सकते हो जिसमें आप पूछ सकते हो कि उसकी आ, बच्चे की जो ये प्रॉब्लम है वो किस वक्त उसका ऑनसेट हुआ और जो मदर की डिलीवरी के वक्त की कंडीशन क्या थी डिलीवरी से पहले आ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी डिलीवरी के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी यानी प्री नेटल और पोस्ट नेटल आ, जो हिस्ट्री है वो आप आ, उससे एक्वायर कर सकते हो इसके साथ साथ Uh, जो बच्चे का इन्वायरमेंट है वो कैसा है उसकी एजुकेशन uh, जो है वो चाइल्डहुड uh, से उसकी कैसी थी उसका अटेंशन और कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम उसकी मदर ने कब नोटिस करना शुरू किया और इसी तरह उसकी मदर के अपने फादर उसके बच्चे के फ़ादर के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं जितनी भी उसकी फैमिली हिस्ट्री है एजुकेशनल हिस्ट्री है और वो आप जो है वो इंटरव्यू के थ्रू गैदर uh, कर सकते हो इंटरव्यू का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इफ़ बोथ पेरेंट्स कम इन द मीटिंग तो सेशन uh, के दौरान आप लोगों को आइडिया होता है कि उनका रिलेशनशिप आपस में कैसा है और जो फैमिली ट्रीटमेंट uh, आपको इन फ्यूचर करनी पड़ेगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस असेसमेंट उसमें आपको uh, कितनी हेल्प जो है वो दोनों पार्टनर से मिल सकेगी इंटरव्यू के अंदर आप और भी बहुत सारी डिटेल देख सकते हो जिस तरह अगर कोई एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर जो है uh, वो घर में मौजूद है तो वो किस तरह रिस्पोंड करता है टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ द चाइल्ड वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके साथ साथ इंटरव्यू के दरमियान आप सिर्फ़ पेरेंट्स के साथ बच्चों के आ, जब इंटरव्यू हो रहा होता है तो सिर्फ पेरेंट्स के साथ नहीं होता बल्कि आप बच्चे के साथ भी इंटरव्यू करते हो तो जब आप उसके साथ इंटरव्यू करते हो उसकी हॉबीज़ के बारे में पूछते हो उसके डिफरेंट फ्रेंड्स के बारे में पूछते हो तो यहाँ से बहुत सी असेसमेंट आपको होती है कि उसका जो सोशल लाइफ है वो कैसी है उसका रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ कैसा है कोई सिबलिंग राइवलरी तो मौजूद नहीं है वो किस तरह फील करता है टू वर्ड्स इज प्रॉब्लम उसको इस चीज़ का पता है कि नहीं है सो इट इज़ ऑल वेरी इम्पॉर्टेंट के जो चीज़ें आप इंटरव्यू के दरमियान सीक आउट करते हो तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है असेसमेंट का क्योंकि ये एक फ़र्स्ट चीज़ होती है जब कोई बच्चा आता है आपके पास तो यू विल स्टार्ट टू डू दैट थिंग जो आपकी इंटरव्यू होता है उसमें सिर्फ वर्बल कॉन्टेंट इम्पॉर्टेंट नहीं होता बल्कि उसके साथ साथ जो नॉन वर्बल कंटेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अब व्हेन आई एम सेइंग द नॉन वर्बल कंटेंट तो उसका मतलब क्या है उसका मतलब ये है कि हाउ द चाइल्ड एंड हाउ द पेरेंट्स मेंटेन देयर आई कांटेक्ट विद यू उनकी गेट कैसी है उनकी बॉडी uh, लैंग्वेज कैसी है आइदर दे आर एंशियस आइदर दे आर डिप्रेस आइदर दे आर ऑप्टोमिस्टिक तो उनकी जितनी भी बॉडी लैंग्वेज होगी नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच गि यू आर डिफरेंट क्लूज अब एक और चीज़ जो हम इन फॉर्मल असमेंट में करते हैं वो हम करते हैं ऑब्जर्वेशन अब ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है कि हम एक बच्चे को डिफरेंट स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट के अंदर ऑब्जर्व करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है वो मेरे पास आया है इन माई क्लिनिक तो आई वॉन्ट टू ऑब्ज़र्व दैट चाइल्ड उसको मैं डिफरेंट करियॉन्स देती हूँ डिफरेंट बुक्स देती हूँ एंड आई वॉन्ट टू सी कि वो उसके साथ कैसे मैनिपुलेट करता है वो उसके साथ कैसे प्ले अराउंड करता है तो दैट इज़ द ऑब्ज़र्वेशन इसके साथ साथ अगर मैं एक बच्चे को उसके नेचुरल इन्वामेंट में यानी घर में ऑब्ज़र्व करना चाहती हूँ तो उसमें मैं जाके कर देखूँगी कि बच्चा डिफरेंट टाइम में किस तरह एक्ट कर रहा है किस तरह प्ले कर रहा है वो घर वालों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है इसी तरह अगर मैं उसके स्कूल में जा ऑब्जर्वेशन करना चाहती हूँ तो आई विल गो एंड सी कि हाउ दैट चाइल्ड इज डूइंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इन द स्कूल उसका ऑनसीड बिहेवियर है नहीं है वो अपने स्कूल के जो बाकी फ्रेंड्स uh, हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू बी लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन अब इसमें जो एक थर्ड कंपोनेंट है दैट इज द बेसलाइन चार्ट विच इज कंसिडर टू बी वेरी इंपॉर्टेंट Uh, वो इम्पॉर्टेंट क्यों कंसिडर किया जाता है उसकी एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि जो भी बिहेवियर है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं जिसके ऊपर हमने manage, जिसको हमने मैनेज करना है वी नीड टू बी गेट द लाइन ऑफ लाइक लाइन ऑफ़ दैट बिहेवियर कि वो कितनी इंटेंसिटी और कितनी फ्रीक्वेंसी से जो है वो अकर कर रहा है ठीक है उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यूजुअली पेरेंट्स को एक बेसलाइन चार्ट देते हैं जिसको उन्होंने अपने घर में भी डेवलप करना होता है और उसके साथ साथ उन्होंने उसको स्कूल में भी डेवलप देना होता है यानी जो उनके टीचर्स हैं उन्होंने भी उसको फिल आउट करना होता है अब बेसलाइन चार्ट को हमने इंट्रोड्यूस कैसे करना है या देना कैसे है पेरेंट्स को उस पर सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ हमने उनको कहनी है कि वो डेट लिखें कि जिस डेट को वो बिहेवियर अकर हुआ फॉर एग्ज़ाम्पल वो एटीन ट्वेल्व को आ, अकर हुआ एंटीसीडेंट फैक्टर होता है कि उस बिहेवियर के अकर होने से पहले क्या हो रहा था ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल के जो अली है उसका जो भाई है उसने टीस किया अली को और आ, जो जॉस था वो टूट गया ठीक है और उस टाइम पे जो अली ने बात सोची या उसका जो थॉट पैटर्न था वो ये था कि आई विल टेक रिवेंज दिस टाइम और उसका जो बिहेवियर था वो क्या था किक है तो इंटेंसिटी जो थी उसकी नाइन्टी परसेंट थी और फ्रीक्वेंसी जो थी वो उसकी टू थी अब ये चीज़ें हैं क्या अब ये चीज़ ये है कि अगर एक बच्चा है और उसकी कंप्लेन ये है कि वो मारता है या उसका एग्रेसिव बिहेवियर ज़्यादा है तो आप उस अगर तो वो उस बच्चे की उम्र जो है वो दस बारह साल है तो आप उसे कहोगे ओके okay, जब भी ये फैक्टर अकर होगा आप किसी को मारोगे तो आपने ये पहले लिखना है कि क्या पहले हुआ था मारने से अंटेसिडेंट फैक्टर उस दौरान आपका स्पेसिफिक थॉट पैटर्न क्या आया जैसा वन मीन लीस्ट हंड्रेड मीन मोस्ट तो उसने कहा कि मेरी इंटेंसिटी या शिद्दत उस बिहेवियर की नाइन्टी परसेंट थी यानी yani उसने इतनी शिद्दत से उसको मारा देन द फ्रिक्वेंसी कितनी दफा मारा दैट इज द टू टाइम्स तो दिस इज द कैन एजुकेट द चाइल्ड उसने किस तरह ये बेस बनानी है इसी तरह यही बेस आप उसके पेरेंट्स को भी दे सकते हो उनके स्कूल वालों को भी दे सकते हो कि वो इस बेस को डेवलप करें ताकि ये समझ आ सके बच्चे का बिहेवियर जो एग्जिबिट होता है उससे पहले क्या हो रहा होता है उस बच्चे की थॉट प्रोसेस से क्या चल रही होती है और उस बच्चे का स्पेसिफिक बिहेवियर क्या होता है ये क्यों जरूरी है ये इसलिए जरूरी है बिकॉज सर्टन टाइम पेरेंट्स सेट के उनके बच्चे को ये प्रॉब्लम है लेकिन जब आप उनको बेसलाइन देते हो तो दे विल गेट द आइडिया कि उस बच्चे को वो प्रॉब्लम उतनी इंटेंसिटी पे या उतनी फ्रिक्वेंसी पे नहीं है जितनी फ्रिक्वेंसी या जितनी इंटेंसिटी पे, पे पेरेंट्स समझते हैं एक अवेयरनेस ये हो सकती है सेकेंड थिंग कि ये जब आप असेसमेंट कर लेते हो तो इसकी बेसिस के ऊपर डायग्नोसिस करना और इसकी बेसिस के ऊपर ट्रीटमेंट देना बच्चे को आसान हो जाता है तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव सेकेंडली जितनी भी इनफॉर्मल असेसमेंट होती है वो इंडिविजुअलाइज होती है वो आप ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते यानी आप 25 लोगों को एक ही वक्त में बेसलाइन चार्ट नहीं दे सकते आप एक शख्स को उसकी नीड के मुताबिक बेसलाइन चार्ट दोगे उसकी नीड के मुताबिक उसे इंटरव्यू कंडक्ट करोगे उसकी नीट के मुताबिक ऑब्जर्वेशन करोगे थैंक यू